मित्र की भोजनशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे बनता है भोजन, यहाँ पे देखिए दो दो तीन तीन चूल्हे लगे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया 2012-13 में आने का मौका मिला था और यहीं की हमने भोजन का भी आनंद पूरा उठाया था। देखिए कैसे लकड़ी से जलाकर प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे भोजन कराया जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। बाबू जी कैसे भोजन कराते जो अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं? वो ही बताएंगे। अच्छा, श्याम सुंदर जी बताएंगे। सही बात है। तो देखें ये सामने जो दृश्य है वो बता देता है कि क्या क्या यहाँ पे होता है। और हम भी आज विजिट के लिए आए हैं और हमारे गुरुदेव श्याम सुंदर जी भी आने वाले हैं। तो सभी जाए, बच्चे एक एक करके जाए और सब देखें यहाँ पे पेड़ पौधे क्या है, है ना, सारा देखें और फिर वहाँ यहीं आके बैठना है ना। हाँ पीने का पानी थोड़ा फटाफट इनको घुमा दो, फिर यहाँ बैठा दो सबको। तो सारे बच्चे और सभी हम घूमने के लिए आए हैं और सभी पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। पिपलांत्री का पूरा आनंद उठाया जा रहा। जाओ 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 इनके साथ, चलो घूम लो सब। थोड़ा जल्दी लेके आना है ना, और ध्यान रखना कोई जीव जंतु का, है ना, थोड़ा जीव जंतु का ध्यान रखना। आ जाए, थोड़ा जल्दी आ जाए, लाइक करो। तो सारे बच्चे आ रहे हैं और भी पीछे पीछे आते जा रहे हैं सभी, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तो ये नर्सरी है, जाके देखो पेड़ पौधे कौन कौन से हैं, क्या यहाँ पे अच्छा है। तो देखें जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दे रहे हैं, तो हमें भी सुनिश्चित करना होगा कि हम कैसे इनकी भागीदार में सहभागिता बने। आप लोग थोड़ा जल्दी जाओ, है ना, फटाफट फटाफट देख लो और जल्दी फिर आ जाओ। आओ आगे देखिए श्याम सुंदर जी, दिखा दो सिस्टर, जल्दी दिखा दो, फिर उनको वो आ जाए, श्याम सुंदर जी आ जाए, इनके साथ बच्चों से बात करेंगे वो। हाँ आ गए, आ गए वो गाड़ी लेके। बच्चों को समय पर पहुंचाना पड़ता बिल्कुल, है सर। बिल्कुल। तो चलिए सभी और आगे आगे सरपसा भी आगे। तो चलिए अब सभी बच्चों से सरपसा रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। काफी अच्छा जो है वो है यहाँ पे दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ की भोजनशाला भी बड़ी अद्भुत है। प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक भोजन और प्राकृतिक तरीके से सब बच्चे भी बैठे हुए हैं। आइए सरदार बाबू जी,